नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। नाक को बहन से बंधवा रहा था राखी, पैर में डसने से गई भाई की जान। बिहार के सारण जिले में रक्षाबंधन के मौके पर बहन से सांप को राखी बंधवाना एक भाई को भारी पड़ गया। पैर की उंगली में सांप के डसने से मनमोहन नामक युवक की मौत हो गई। वह पिछले 10 सालों से जहरीले सांपों के रेस्क्यू और सांप द्वारा डसे गए लोगों का इलाज करने का काम करता था। पूरा मामला सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र का है। 25 साल का मनमोहन उर्फ भूअर कई जहरीले सांपों का रेस्क्यू कर चुका था। रविवार को जब वह दो नागों को पूंछ पकड़कर अपनी बहन से उन्हें राखी बंधवा रहा था, तभी एक सांप ने मनमोहन की पैर की उंगली से डस लिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके मनमोहन सांपों को अपनी बहन से राखी बंधवाने की कोशिश कर रहा था। सांप के काटने के बाद युवक ने परिजन झाड़ पूछ करने इलाज करने लगे। इस दौरान युवक की हालत और बिगड़ती गई। आनन फानन में युवक को एकमा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया। वहां एक एंटी वेनम इंजेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से उसके परिजन उसे छपरा सदर अस्पताल ले आए। यहां इलाज में देरी की वजह से डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया। आसपास के गांव के लोग मनमोहन को सांपों का सच्चा दोस्त कहते थे। अगर गांव में किसी के भी घर में सांप निकलता था तो गांव के रहने वाले लोगों उसे भी रेस्क्यू करने के लिए बुलाते थे। यहां तक कि गांव में किसी को सांप काटने पर भी मनमोहन को ही बुलाया जाता था। ग्रामीणों का दावा यह है कि उसके मंत्रों से ही जिसको सांप ने डसा होता था वह ठीक हो जाता था। वह मंत्रों से जहर को खत्म कर देता था। वही मनमोहन से सांप से ही जान गंवाने की जानकारी मिलने पर लोग काफ़ी उदास हो गए हैं।